खबर विस्तार से। धामी सरकार की आज कैबिनेट बैठक होनी है। सचिवालय में ये बैठक आयोजित की जाएगी और कैबिनेट की बैठक की मुख्यमंत्री अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। धामी सरकार की आज कैबिनेट बैठक होनी है जहां पर कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता एसएन पंत जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होने वाली है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल दीपिका, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड सरकार की महत्वपूर्ण बैठक अभी कुछ ही देर के बाद शुरू होने वाली है और पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक शुरू होगी। कैबिनेट मंत्री इसमें पहुंचने वाले हैं, पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और तकरीबन जो प्रस्ताव कैबिनेट में दिए गए हैं उसमें एक दर्जन से अधिक प्रस्ताव पर हरी झंडी लग सकती है। यानी सबसे बड़ी बात है, उत्तराखंड में जो आपदा का दंश है, आज सुबह की खबर आई है कि रुद्रप्रयाग में जो कृषि जमीन काफी हेक्टेयर नुकसान हो चुका है उसमें, तो उसको लेकर के उसके मुआवजे की राशि को लेकर के कैबिनेट में एक अंतिम फैसला आज लिया जा सकता है कि लोगों को फौरी तौर पर राहत कैसे पहुंचाई जा सकती है। और इसके अलावा जो तमाम तरीके की दुश्वारियां, चाहे वो प्रदर्शनकारियों की रही हो या फिर पेपर लीक मामले में भ्रष्टाचार को खत्म करते हुए जिस प्रकार से कार्रवाइयां लगातार की गई हैं, 23 अभी तक गिरफ्तारियां एसएससी परीक्षा पेपर लीक में हो चुकी हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये तमाम मुद्दे हैं। इसमें नर्सिंग का मामला है, इसमें प्रशिक्षितों का मामला है, प्रशिक्षित बेरोजगारों का मामला है, परिवहन विभाग से संचालित प्रस्ताव भी कैबिनेट के सम्मुख रखा गया है। इसके अलावा जो डॉक्टरों की नियुक्ति होनी है उसका प्रस्ताव भी कैबिनेट के सम्मुख रखा गया है। और जिस प्रकार से जो आंदोलनरत हैं लगातार अब भू कानून की मांग उत्तराखंड में हो रही है उसको लेकर के भी कैबिनेट में जो प्रस्ताव आज रखे जा रहे हैं उनमें गंभीरता के साथ चर्चा होने के बाद एक दर्जन से प्रस्तावों को हरी झंडी मिल सकती है। बिल्कुल है, जैसा कि आपने कहा कि उत्तराखंड में अभी बाढ़ के हालात बने हुए हैं, आपदा प्रबंधन को लेकर भी यहाँ पर बैठक में बातचीत की जाती है। अगर अहम हम बातचीत की बात करें, अहम प्रस्ताव की हम लोग बात करें, तो वो कौन से ऐसे अहम प्रस्ताव है जिनको बैठक में यहाँ पर बताया जाएगा या बातचीत की जाएगी? बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने कहा है कि बेरोजगार प्रशिक्षितों के लिए जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, इसको लेकर के भी प्रस्ताव आया है। उद्योग निदेशालय की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा फिर नीति को लेकर के ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से प्रस्ताव कैबिनेट के सम्मुख आया है। अगर हम दूसरी तरफ से अगर बात करते हैं तो डीएलएड प्रशिक्षित हैं, बीपीएड प्रशिक्षित हैं, बीपीओ बीडीओ हैं, उनकी जो एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे, किस एजेंसी को ये काम दिया जाए, क्योंकि यूके एसएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर भ्रष्टाचार का दाग लग चुका है। ऐसे में कैबिनेट अंतिम निर्णय लेगी और नोडल एजेंसी या जांच एजेंसी कौन सी बनाई जाएगी, इस पर चर्चा की जाएगी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में जो कैबिनेट की बैठक चल रही है उसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे और तकरीबन एक दर्जन से अधिक फैसले होंगे जिनका सीधा सरोकार आम जनता से जुड़ेगा। इस प्रकार के फैसले इस पूरी कैबिनेट की बैठक में आज होने वाले। चलिए, आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, आपके पास अभी एक बार फिर से आएंगे।